हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा डिफाइन करेंगे, बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा समझेंगे और बायोकेमिस्ट्री को आपको स्टडी कैसा करनी है, बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको प्रिपरेशन क्या क्या करनी है, बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको प्लानिंग कैसे करके आपको पास करना है, बायोकेमिस्ट्री को आपको हार्ड से इजी कैसा बनाना है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस, बायोकेमिस्ट्री ये जो है, ये जो सब्जेक्ट है आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए ही रहेगा, आगे आपको सेमेस्टर में नहीं आएगा। लेकिन बायोकेमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस क्या है, बायोकेमिस्ट्री के 4 to 6 क्वेश्चन आपको जीपैड के अंदर पूछे जाते हैं। आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए स्टडी कैसा करनी है, आपको सुबह में स्टडी करना है बायोकेमिस्ट्री के लिए, वो जो टाइमिंग है वो राइट टाइमिंग है, आपको जो फ्रेश माइंड होता है आपका और आपको अच्छी तरह से याद भी होगा। आपको बायोकेमिस्ट्री में रिएक्शंस, रिएजेंट, एंजाइम्स, ये सारे चीज़ें आपको याद करना होगा, जो साइक्लिक फॉर्म में, जो जैसे कि आपके ग्लाइकोलाइसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, ये जो क्रेब साइकिल हो गया, ये ऐसी साइकिल्स आपको बायोकेमिस्ट्री में देखने को मिलेंगी। हम थोड़ा सिलेबस में देख भी लेंगे। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है पहले वो देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस दैट ऑकर इन प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ चेंजेस दे अंडरगो ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड लाइफ। बायोकेमिस्ट्री स्टडी है केमिकल सब्सटेंस की एंड प्रोसेस की, किसके अंदर होती है, ऑकर्स होती है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं किसके अंदर, जो प्रोसेस होती है अंडरगो ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड लाइफ, जो आपकी डेवलपमेंट होती है, जैसा आप खाना खा लिया उसकी जो डेवलपमेंट, उसका ग्लूकोज जो तैयार होगा, उसकी प्रोसेस की स्टडी करने के लिए ही हम उसे क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। आपका जो, आपने जो खाना खाया उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में कैसा हुआ, उसकी प्रोसेस की स्टडी मतलब सिंपली बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इंट्रैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। बायोकेमिस्ट्री डील्स है किससे, स्ट्रक्चर से, फंक्शन से, और इंट्रैक्शन किससे होता है, बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल से, सच एज कौन कौन से, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और लिपिड्स हो गया। थोड़ा देख लेते इसका सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट के अंदर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर ऑफ बायोलॉजिकल रोल किसके, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ही आएगा बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। आपको ये इंपॉर्टेंट है इंट्रो बायोमोलिक्यूल्स, उसके हमें क्या स्टडी करना है, इंट्रोडक्शन देखना है उसका, क्लासिफिकेशन देखना है और केमिकल नेचर देखना है, बायोलॉजिकल रोल किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड का और अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स का। अब सेकंड उसके अंदर है बायोएनर्जेटिक्स, बायोएनर्जेटिक्स देखना है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्री एनर्जी देखना है, एंडोक्रोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ये देखना है आपको, एनर्जी रिच कंपाउंड कौन कौन से है उसकी क्लासिफिकेशन देखना है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखना है ऑफ एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी का। अब सेकंड यूनिट के अंदर है आपको कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, ये जो है आपके साइक्लिक फॉर्म में है, जैसा कि आपको ग्लाइकोलाइसिस देखना है, आपको ये 12th में हुआ है ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, उसका क्या देखना है आपको, पाथवे, एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस देखना है। बाद में आपको एचएमपी शंट, ये भी आपको 12th में हुआ है, जैसा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस इसका डिफिशियंसी है, बाद कौन कौन से क्या क्या अफेक्ट होंगे वो देखना है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म देखना है, पाथवे जैसा कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज कौन कौन से वो देखना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, पाथवे सिग्निफिकेंस, ग्लाइकोलाइसिस 5 या 10 मार्क को आएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल 5 मार्क को आएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, 5 यूनिट के अंदर से ये जो सेकंड वाला यूनिट है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से करना जरूरी रहेगा। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डायबिटीज मिलिटस, आपको हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में सेकंड यूनिट के अंदर बताया गया है। अब सेकंड पॉइंट है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जैसा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 या 10 मार्क को आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड उसका मैकेनिज्म ये देखना है, ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन देखना है, मैकेनिज्म सब्सटेंस फॉस्फोराइलेशन देखना है। बाद में इनहिबिशन ऑफ ETC, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसकी इनहिबिशन, ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन ये सब आपको देखना है।
ये होगा सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट इंपॉर्टेंट है, आपको सेकंड यूनिट करना होगा। आपने सेकंड यूनिट कर दिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको 20-30 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। आपको सेकंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छी तरह से करना जरूरी है। अब थर्ड यूनिट है लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर जो है बीटा ऑक्सीडेशन, सैचुरेशन फैटी एसिड, पैलमिट्रिक एसिड, इसके बारे में बताया गया है। फॉर्मुलेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, जैसा कि कीटो एसिडोसिस ड्यू टू नोवोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, पैलमिट्रिक एसिड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। बाद में है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोरेस्ट्रॉल, कन्वर्जन ऑफ क्लोरेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन एंड विटामिन डी। आपको क्या देखना है, आपको देखना है क्लोरेस्ट्रॉल का कन्वर्जन किसके अंदर, बाइल एसिड के अंदर, स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर और विटामिन डी के अंदर। बाद में पॉइंट है डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, जैसा कि डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, जैसा एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी लिवर, ओबेसिटी, हाइपरक्लोरेस्ट्रेमिया, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। बाद में सेकंड पॉइंट है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसके बारे में आपको स्टडी करनी है, जैसा कि हो गया जनरल रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जनरल रिएक्शन देखनी है, जैसा कि ट्रांसमिनेशन हो गया, डीअमाइनेशन हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, यूरिया साइकिल हो गया एंड डिसऑर्डर्स हो गया। और बाद में देखना है कैटाबॉलिज्म ऑफ ट्रायोसिन, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं इसी तरह से आपको देखना है। बाद में देखना है सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस 5-HT, मेलाटोनिन, डोपामाइन, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। कैटाबॉलिज्म ऑफ हीमे, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। फोर यूनिट के अंदर आपको देखना है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडाइन न्यूक्लियोटाइड, इसके बारे में स्टडी करना है। कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एंड हाइपरयूरेमिया एंड गोट डिसीज, इसके बारे में स्टडी करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम, स्ट्रक्चर देखना है, डीएनए, आरएनए एंड देयर फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 मार्क के, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या क्या पूछा जाता है, आपका डीएनए का उसका स्ट्रक्चर, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको सेमिस्टर के अंदर पूछा जाता है। आर डीएनए रिप्लिकेशन, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस एंड ट्रांसक्रिप्शन, इसके ऊपर भी 5 या 10 मार्क क्वेश्चन आता है, ये भी आपको करना जरूरी रहेगा। बाद में है जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिशन, इसके ऊपर भी आपको स्टडी कर आपको पढ़ना है, 4 यूनिट के अंदर दिखाया गया है। अब 5 यूनिट के अंदर एंजाइम्स, इंट्रोडक्शन है एंजाइम्स का, प्रॉपर्टीज है, नॉमनक्लेचर, आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है 5 यूनिट के अंदर। एंजाइम कैनेटिक, जैसा कि एंजाइम कैनेमेटिक्स जो होते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। एंजाइम इनहिबिटर विद एग्जांपल, जो एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं मतलब इनिशिएट करते हैं उसके एग्जांपल थ्रू उसे स्टडी करना है। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स का रेगुलेशन आपको स्टडी करना है। थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम एंड आइसोएंजाइम, जो थेरापेटिक और डायग्नोमेटिक एप्लीकेशन होते हैं एंजाइम्स के एंड कौन से आइसोएंजाइम्स के, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। कोएंजाइम्स का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।